नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और HMG IT सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डेल इंस्प्रॉन N5010 लैपटॉप के कुछ पार्ट्स की रिप्लेसमेंट करूंगा, जैसे कीबोर्ड, स्पीकर और उसकी बैटरी। बैटरी तो सिंपली बहुत आसानी से कोई भी लगा सकता है और कीबोर्ड भी अगर एक दो स्क्रू खोल करके चाहे तो बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, और चाहे तो स्पीकर को भी लगाना बहुत आसान है मगर पहले लैपटॉप को खोलना बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो ये हमारी बैटरी है और जो कि हमको रिप्लेस करनी है। यहाँ पर ये हम आपको मॉडल नंबर दिखा देते हैं। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेल इंस्प्रॉन है N5010 और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं लैपटॉप पे। ठीक है, ये इंस्प्रॉन का N5010 है। ठीक है, अब ये लैपटॉप है जो कि कस्टमर एंड से है, मेरे पास आया हुआ है तीनों पार्ट्स रिप्लेस करने के लिए। मैंने तीनों पार्ट जो हैं पहले से मंगा रखे हैं। ये बैटरी लगाने का स्पेस है और एक्चुअली कस्टमर ने अपनी बैटरी पहले से ही रिमूव करके अपने पास रख ली थी, तो मुझे बिना बैटरी के ही मिला है। अभी मैं आपको इसके सारे पार्ट्स दिखाऊंगा जो मैंने मंगवाए हुए हैं पहले से, और अभी मैं आपको ये दिखाऊं कि इसके स्पीकर कहाँ हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो इसके स्पीकर हैं जो कि मुझे रिप्लेस करने हैं, एक्चुअली थोड़ी सी फटी हुई आवाज़ आ रही है, तो स्पीकर को खोल के हो सकता है डस्ट भी हो तो भी साफ़ की जा सकती है, मगर हमने क्या है कि स्पीकर पहले से मंगवा लिए हैं तो हम उसको रिप्लेस ही कर देंगे, ज़रूरत नहीं है हमें साफ़ करने की। और ये हमारा कीबोर्ड है जो कि कुछ कीज़ हैं इसकी, जैसे कि अप डाउन और एरो की जिसको कहते हैं, वो काम नहीं कर रही है। नेविगेशन की जो है वो काम नहीं कर रही है बेसिकली, तो हमको इसको रिप्लेस करना है कीबोर्ड को भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने पार्ट्स यहाँ पे मंगवा रखे हैं। तो ये है हमारी फ्यूज़न की बैटरी है जो कि हमने मंगाई हुई है, और जैसा कि आपको बॉक्स पे दिख रहा होगा फ्यूज़न लिखा हुआ है। इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे कि इसका मॉडल नंबर है FZ4010 जो कि कई सारे लैपटॉप की सीरीज़ में यूज़ में आती है, जैसे कि मैंने N5010 के लिए भी यूज़ की है इसको। और यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स और भी दी हुई हैं, जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन दिया है चाइना, और यहाँ पे मंथ और ईयर की जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो दी हुई है, और साथ साथ 1999 रुपये समथिंग इसका अमाउंट MRP दिया हुआ है। और जैसा कि मैं अपने लिए बताऊँ तो इसको मैंने 1300 रुपये में मंगवाया है कस्टमर के लिए, और ये अभी के लिए रेट है मैं जो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उस समय रेट कुछ और भी हो सकता है इसका, ज़्यादा या कम कुछ भी, तो आप मेरी बातों पे मत जाइएगा उस समय कि मैंने 1300 रुपये बताया था तो 1300 रुपये ज़्यादा हैं या 1300 रुपये बहुत कम बताए हैं, मुझे तो ज़्यादा की मिल रही है ऐसा। ठीक है, तो रेट वेरी करता है टाइम के अनुसार, है ना। और अभी जो है IT प्रोडक्ट्स की रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कस्टमर्स जो हैं पीछे हट रहे हैं और हम लोग भी बोलने में झिझक रहे हैं कि बहुत रेट बढ़ी हुई है होती है। तो अब मैं आपको दिखाऊं तो ये स्पीकर हैं जो मैंने मंगवाए हैं रिप्लेस करने के लिए। स्पीकर कुछ इस तरह से हैं, ये दो स्पीकर हैं लेफ़्ट और राइट, तो ये हमको सिंपली लगा देने हैं, और एक इसका पिन है, कनेक्टर है जो कि हम सिंपली लगा देंगे तो ये काम करने लगेगा। टेस्टेड स्पीकर हैं हमारे ये, ज़रूरत नहीं है हमको टेस्ट करने की, और टेस्ट करना होगा तो लगा के भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये एक्चुअली पैरेलल में होते हैं, सीरीज़ में नहीं होते हैं। यहाँ पे चार पिन आपको दिख रही होंगी, दो पिन एक स्पीकर की है और बाकी की दो पिन एक स्पीकर की है, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। स्पीकर हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, और अब हमारी है, मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड की। ये कीबोर्ड है बिल्कुल नया है, और इसकी वारंटी जो है हम कस्टमर को अप्रॉक्स 3 महीने की देते हैं, और ख़राब होने की बात करें तो कीबोर्ड ख़राब नहीं होते हैं, जितने भी कीबोर्ड्स ख़राब होते हैं वो डस्ट की वजह से ही ख़राब होते हैं। अगर उसमें धूल मिट्टी पानी नमी अंदर जाती रहती है तो मॉइस्चर से वो अपने स्विचिंग वाले सर्किट में कार्बन इकट्ठा कर लेता है, और कीबोर्ड ऐसी पार्ट है कि उसको हम रिपेयर करना बहुत आसान नहीं है हमारे लिए। करने में सब कुछ रिपेयर किया जा सकता है मगर इतना टाइम नहीं है कि हम हर पार्ट्स को रिपेयर करें, तो इजी ये रहता है कि रिप्लेस ही कर दिया जाए, तो और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। अगर मैं इस कीबोर्ड की बात करूँ तो ये कीबोर्ड जो है हमको 800 रुपये में हमने कस्टमर के लिए लगाया है। हो सकता है आपके क्षेत्र में ये कीबोर्ड जो है 600 रुपये का ही मिल जाए, या 900 का ही मिले, या हो सकता है 500-600, जो भी आपको आपके आपके शहर के हिसाब से आपके क्षेत्र के हिसाब से मिल सकता है। ठीक है, और वेरी करता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर कि कौन सा पार्ट क्या रेट का होगा। तो आइए चलते हैं, इसको खोलते हैं।
और जैसे कि मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा सारे स्क्रूज को खोलने के लिए। अभी मैं सिंपली करूंगा क्या कि पहले ये एक छोटा सा रैप है इसको हटा करके मैं पहले तो रैम हटाऊंगा। ये देखिए कितनी डस्ट लगी हुई है यहाँ पे, तो डस्ट होने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और साफ़ सफाई रखनी चाहिए एक्चुअली लैपटॉप्स में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर, क्योंकि धूल मिट्टी इकट्ठी होने से नमी आ जाती है और नमी से जो होते हैं जितने भी सर्किट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब मैं फटाफट सारे स्क्रूज खोल लूँगा। लगभग मैंने सारे स्क्रूज खोल दिए हैं और कुछ स्क्रूज जो बचे हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा राइटर का स्क्रू है जो कि राइटर को फिक्स करने के लिए यूज़ में आता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। कई बार होता है क्या है कि ये वाला स्क्रू नहीं खोला जाता है और राइटर खींचने की कोशिश होती है और राइटर नहीं निकलता है, तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए यहाँ पर इसका स्क्रू लगाने की जगह है और ये इस तरह से इसको पकड़ा रहता है। तो ये वाला स्क्रू खोल करके आप राइटर को सिंपली बाहर निकाल लें। ठीक है, पहले राइटर बाहर निकल जाता है क्योंकि इसमें राइटर होते ही नहीं है, और होते हैं तो कुछ इसी तरह से ही लगभग लगे होते हैं। तो इंस्ट्रॉन N5010 के लिए कुछ इस तरह का सीन रहेगा आपको अगर ओपन करना है तो। और यहाँ पे ये जो रैम है बहुत ज़्यादा जाम हो रही थी एक्चुअली, डस्ट की वजह से चोक हो गई है। तो ये दूसरी रैम भी है, एक इसमें रैम क्या है बहुत ज़्यादा कम लगाई है कस्टमर ने। एक स्लॉट में एक रैम इसने लगाई है 3 GB, सॉरी 2 GB की, और एक रैम है एक स्टिक जो है वो 1 GB की है। तो देखेंगे, अभी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी मुझे OS इंस्टॉलेशन भी करना है, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8.1। तो पहले तो हार्डवेयर का पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैंने पीछे से सारे स्क्रूज खोल लिए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड भी ये एक स्क्रू से पीछे से फिक्स रहता है, तो गलती ना करें, क्योंकि हम ओपन करना आसान है कीबोर्ड को आगे से, मगर पीछे से वो एक स्क्रू की वजह से फिक्स रहता है। अगर हम उस स्क्रू को नहीं खोलेंगे तो हमारा कीबोर्ड टूट जाता है, टूट सकता है, या झटके से हम खींचेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसका खासा ख्याल रखें कि पीछे से स्क्रू को ज़रूर खोलें, कि एक या दो स्क्रूज़ लगे होते हैं ज़रूर से कीबोर्ड को पकड़ने के लिए। और ये हमारा एक पत्ता है, इसको बहुत ही आसानी से आराम से आप निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मैं इसको हटा लूँगा, ये हमारा पत्ता निकल गया है, और कीबोर्ड को मैं साइड में रख लूँगा और मैच भी कर लूँगा कि प्रॉपर जो कीबोर्ड मैंने मंगाया है वो सेम है कि नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये कीबोर्ड जो है पुराने वाले कीबोर्ड से बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि थोड़ा सा लिटिल बिट अंतर हो जाता है कीबोर्ड्स में और मॉडल के हिसाब से, मगर ये दोनों कीबोर्ड जो है बिल्कुल सेम है। मैं लगाऊंगा तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आज के टाइम पे क्या है कि कभी कभी सस्ते कीबोर्ड्स भी मिलते हैं मार्केट में और वो रिफर्बिश्ड होते हैं, यानी जैसे कि अभी मैंने जो कीबोर्ड निकाला है अगर मैं स्क्रैप में इसको दे दूंगा किसी कबाड़ी वाले को तो हो सकता है मुझे वो कुछ पैसे दे दे, मगर वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, रिसाइकलर के पास जाएगा, और किसी कंपनी में वापस जाके वो रिसाइकिल होगा। और रिसाइकिल इन द सेंस ये नहीं कि वो कुछ कबाड़ा उसको गलाएंगे प्लास्टिक में, ऐसा कुछ नहीं, वो वापस से वो रिपेयर किया जाएगा, मतलब कि उसकी चीज़ें चेक की जाएंगी, टेस्ट किया जाएगा, और जो भी कीज़ या जो भी इशूज़ हैं उसको रिजॉल्व करके वो वापस से उसको रिफर्बिश्ड वाले सेक्शन में आ जाएगा और वापस से किसी न किसी कस्टमर के लैपटॉप में वो लगा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पता चल जाता है कि कौन सा कीबोर्ड जो है पुराना है, सेकेंड हैंड है, और कौन सा बिल्कुल नया मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। तो आप पीछे से उसकी जो पीछे की प्लेट है बैक प्लेट से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी चिकनी है या घिसी हुई है या क्या है। वैसे तो आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि इतना इस तरह से रिफर्बिश्ड किया जाता है कि पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैंने स्क्रूज खोल दिए थे इसके सारे, और यहाँ पे इस पत्तियों को आपको खासा ध्यान रख के खोलना है। ये पावर की क्लिप है और ये हमारी फ्रंट में जो लाइट्स होती हैं, इंडिकेशंस होती हैं, उसकी ये क्लिप है। तो इन दोनों को मैंने हटा लिया, और ये हमारी टच पैड की पिन है ना। तो इन तीनों को खासा तौर पर ध्यान से हटा लेना है आपको, और जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं उसको साफ साफ तरीके से हटा लेना है, नहीं तो आप झटके से इसको उठाओगे तो वो क्लिप्स टूट जाएंगी या कुछ भी इश्यूज क्रिएट हो जाएगा नया, मतलब आप जो काम करने जा रहे हो वो तो होना ही है मगर एक नया और जुड़ जाएगा, एक नई प्रॉब्लम और साथ में ऐड हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, चीज़ें
चीज़ें हैं, आसान हैं, मगर सावधानी से करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे बैक प्लेट, सॉरी इसकी जो प्लेट है वो ऊपर से कवर हटा लिया है, और किसी किसी मॉडल्स में पीछे से खुलता है, इस लैपटॉप में N5010 में ये ऊपर साइड से खुलता है, ठीक है। और मदरबोर्ड जो होता है बेस में फिक्स रहता है। तो मैंने यहाँ से बैक प्लेट प्लेट हटा ली है इसकी अपर वाली, और अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, मुझे काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा, तो मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो मैं इसको डस्ट को पहले हटा देता हूँ, सारी रिमूव कर दूँगा। मैंने डस्ट को क्लीन कर दिया है और हटा दिया है। अब ये हमारे पास साफ़ सुथरा लैपटॉप अवेलेबल है। तो हमको बेसिकली हमारा मकसद क्या था, स्पीकर को रिप्लेस करना और उसके बाद बंद करके कीबोर्ड को रिप्लेस करना और बैटरी को लगा करके OS इंस्टॉल करना। तो सिंपली भी हम क्या करेंगे, पहले तो बैटरी को सॉरी स्पीकर्स को रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने से पहले हमको पुराना वाला स्पीकर निकालना है। तो पहले स्पीकर को भी देख लेते हैं कि कहीं जो स्पीकर हमने मंगाया है वो सेम है या कुछ डिफरेंस है उसमें। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इसको लगा रहा हूँ ऊपर रख करके, तो बिल्कुल सेम है, कोई पंगा नहीं दिख रहा है मुझे, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। और इसको मैं पुराने वाले स्पीकर को निकालता हूँ और बहुत ही आसानी से लग जाएगा, निकल जाएगा ये यहाँ से, ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं करनी है इसमें। मगर जो भी एडेंसी उसके साथ जुड़े होते हैं उसको सावधानी से आपको हटाना है। और ये स्पीकर है, अब देखा जाए तो ये इसकी क्लिप है जो कि इसको पावर देने के लिए काम में आती है, सिग्नल देने के काम में आती है। इसको मैंने हटा दिया है। देखा जाए तो ये जो मदरबोर्ड है इसको हटा करके मुझे इसके तार बीच में से निकालने थे, मगर मैंने क्या किया है कि दोनों स्पीकर्स को पहले बाहर किया है और हल्का सा उसको ऊपर उठा करके वायर को निकाल लिया है मैंने, जो अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको ये एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा था, तो नीचे से फिक्स हो रहा है किसी जगह पे। तो निकल तो गया ये आसानी से, मगर एक्चुअली मैं मदरबोर्ड को पूरा खोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया है। आप भी अगर कभी रिप्लेस करना चाहते होंगे तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, मदरबोर्ड कोई दूसरे पार्ट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो मैंने तो हल्का सा पुल किया है, बहुत सावधानी से करने की कोशिश की है, तो ये निकल के बाहर आ गया है मेरा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि नए वाले स्पीकर्स को लगाऊंगा, और थोड़ा सा डस्टिंग है उसके नीचे तो मैं उसको भी साफ़ कर लूँगा। मैंने एक्चुअली जहाँ पे स्पीकर की साउंड बाहर प्रोड्यूस होती है तो मैंने उस एरिया को भी थोड़ा क्लीन कर लिया है, क्योंकि डस्ट जो होती है वो छेदों से अंदर जाती रहती है, तो मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया है। अभी मैंने वो उस पार्ट को आपको दिखाया नहीं है, मगर मैंने उसको डस्ट को साफ़ कर लिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर से उसको साफ़ करें। तो यहाँ पे वापस से मुझे अंदर इसको तार को लगा करके सेम टू सेम जैसे मैंने निकाला था वैसे ही मुझे इसको वापस से लगा देना है। कोई ज़्यादा बड़ी इश्यूज़ नहीं है। अगर आप चाहें, आपके पास अगर नया स्पीकर नहीं है तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे स्पीकर से फटी हुई आवाज़ क्यों आ रही है, उसको मैं अगर कैसे रिप्लेस कर कैसे सही करूं, तो आप क्या करें कि पहले तो स्पीकर को बाहर निकालें और जो डस्ट है स्पीकर के जो छेद हैं जिससे साउंड बाहर निकलती है, तो उस छेद को अच्छे से साफ़ करें, और साथ साथ स्पीकर को भी स्पीकर के फेस को भी पूरी तरह से क्लीन कर लें। होता क्या है कभी कभी कि स्पीकर जो होता है वो मैग्नेट के साथ काम करता है, तो कभी कभी उस छेदों से मैग्नेट के पास जो होते हैं लोहे के कण जो होते हैं वो चले जाते हैं और चिपक जाते हैं, तो उसको जो स्पीकर पंप करता है ना वो पंपिंग थोड़ी वो कम हो जाती है। मतलब अच्छे से पंपिंग नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि क्लीन कर देना है उसको, और हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो स्पीकर में और क्लीन करने से वो सही हो जाए, तो रिप्लेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्पीकर की अगर मैं आपको रेट बताऊं तो स्पीकर मैंने जो यहाँ पे है 600 रुपये का लिया है, और आपके केस में हो सकता है कि वो आपको सस्ता भी मिल जाए या हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए, तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो के अनुसार मेरे पास जो रेट है वो 600 की है। हो सकता है आपके पास जो आपको रेट मिले वो ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, ठीक है। कई लोग को बहुत सस्ता भी मिल जाता है और कई लोगों को अवेबिलिटी ना होगी मैंने से कि मिलता भी नहीं है, केसेस तो यहाँ तक भी होते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर नहीं मिलता है तो उस केस में भी बहुत सारे जुगाड़ हैं हमारे पास,
सिंपली जो स्पीकर होता है, हमको स्पीकर की ज़रूरत होती है, जो आपको मैंने पूरी बॉडी दिखाई है, बॉडी के अंदर छोटा सा ही स्पीकर होता है, वही हम रिप्लेस कर सकते हैं कभी अनचाहे, इन केस अगर हमको ज़रूरत होती है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिप लगा करके स्पीकर का पार्ट जो है वो रेडी कर दिया है। ये हमारा ब्लूटूथ का डिवाइस है जो कि मदरबोर्ड खोलते समय ही गिर गया था, इसका स्क्रू जो है वो लगा हुआ नहीं था, इसलिए तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा दूँगा। एक्चुअली हो सकता है कस्टमर ने अपने एंड से कभी इसको खोला हो, क्योंकि कस्टमर का जो ब्लूटूथ है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास ये नहीं है और कस्टमर ने बोला भी नहीं था ब्लूटूथ चेंज करने के लिए, तो अभी पहले हम इसको लगा के देख लेंगे। हो सकता है कि वापस से क्लीन करने के बाद ये ब्लूटूथ काम भी करने लग जाए, या ड्राइवर का इशू होगा तो रीइंस्टॉलेशन के बाद हम वापस से ड्राइवर को भी इंस्टॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि ड्राइवर का इशू है कि हार्डवेयर का इशू है। ठीक है, तो अभी हम जो है इस सारे पार्ट्स को लगाने के बाद अंदर और इसका जो कवर है वो लगा देंगे सही तरीके से। इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि जो जो क्लिप्स हमने निकाली थी, जैसे टच पैड की, फ्रंट की लाइट इंडिकेशन की और पावर बटन की, इन सारी क्लिप्स में हम उसके वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये क्लिप भी मैंने लगा दिए और सारे लगभग ये निकल गया था, इसको मैं वापस से लगा देता हूँ, पावर का है ये। और ये भी लग गया है, अब जो भी स्क्रूज मैंने इस वाले पार्ट से निकाले थे उनको भी मैं वापस से लगाऊंगा। जैसे कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्रूज यहाँ पे यूज़ में आएंगे, तो मैं सबको लगाऊंगा अभी एक एक करके। सारे स्क्रूज लग चुके हैं और ये वाला जो स्क्रू है वो नीचे से लगेगा, पीछे साइड से लगेगा एक्चुअली। अब मैं कीबोर्ड को कनेक्ट करूँगा हमारे मदरबोर्ड के साथ, ये इसका पत्ता है जो कि मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। मैंने एक्चुअली इसके क्लिप को थोड़ा सा क्लीन कर दिया था डस्ट को, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, आप लगाने से पहले आप भी उसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। और मैंने ये कीबोर्ड को फिक्स कर दिया है बहुत ही आसानी से, इस तरह के कीबोर्ड जो होते हैं बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और कोई भी चाहे तो आसानी से लगा सकता है इसको, अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल होता है तो, और अगर ज़रा सी भी टेक्निकल स्किल्स नहीं हैं तो कोशिश ना करें, क्योंकि एक प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन के लिए आप दूसरा नया प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देंगे अपने लिए, तो थोड़े से 200-400 रुपये की सर्विस के लिए आप खिलवाड़ ना करें अपने लैपटॉप के लिए, क्योंकि लैपटॉप कम से कम 20,000-25,000 की रेंज से स्टार्ट होते हैं, तो उसका ख्याल रखें कि 200 रुपये बचाने के चक्कर में कहीं आपके 2,000 और ना खर्च हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रैम के स्लॉट्स को भी क्लीन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो रैम लगाई थी रैम निकाली थी स्लॉट से तो बहुत जाम थी, तो मुझे लगा कि क्लीन कर लेना, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। अब मैं एक एक करके सारी रैम को लगा दूंगा, पहले नीचे वाली रैम लगेगी फिर ऊपर वाले स्लॉट में रैम लगेगी, तो एक एक करके मैं दोनों रैम को लगा दूंगा। देखिए अभी भी मैंने साफ़ किया है मगर फिर भी अभी भी जाम है ये रैम का स्लॉट। एक्चुअली कस्टमर जो है शायद उन्होंने काफ़ी दिन से इसको यूज़ नहीं किया था और कुछ ऐसी नमी वाली जगह पर शायद रखा हुआ होगा मुझे लगता है, इसी वजह से डस्ट और कीलेपन से वो थोड़ी सी उसमें रस्ट आ गई है ज़्यादा।
ये रैम मेरी लग गई है और बैटरी मैंने लगा दी है, और मैं राइटर को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। राइटर का जो कनेक्टर होता है वो जस्ट लगाते ही वो उससे कनेक्ट हो जाता है मदरबोर्ड से, एक मीडिएटर कनेक्टर के साथ। और ये राइटर का भी मैंने स्क्रू लगा दिया, और धीरे धीरे करके मैं सारे जितने मदरबोर्ड से मैंने पीछे से बैक साइड से जितने भी स्क्रू निकाले थे मैं उन सबको भी लगा दूँगा। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, और मुझे स्क्रू लगा करके मदरबोर्ड को वापस से बंद करना है। और बंद करने के बाद मुझे टेस्ट करना है कि जो जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बैटरी का मतलब कि अगर लगाते ही ये पावर ऑन करते मेरा लैपटॉप ऑन हो जा रहा है तो बैटरी ठीक है, काम कर रही है। अब हमको चेक करना क्या होगा कि उसका बैकअप। अब उसके बाद जो है हमको व्हील से मीडिया प्लेयर के साथ कोई भी गाना वीडियो कुछ भी प्ले करना होगा, और हमको क्या करना होगा चेक कि मेरा स्पीकर जो मैंने नया लगाया है वो डुअल चैनल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों स्पीकर्स में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मुझे वो भी चेक करना है क्योंकि हमने स्पीकर भी लगाया है। और साथ ही साथ हमने जो नया कीबोर्ड लगाया है उसको भी चेक करना है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मदरबोर्ड में नया पार्ट लगाते हैं तो वो मिसबिहेव करने लग जाता है। और क्योंकि कई सारे एक्सपीरियंस मैंने लिए हुए हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नया पार्ट लगाते ही लैपटॉप जो है या कंप्यूटर जो होता है कभी कभी बहुत मिसबिहेव करने लगता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बायोस एक फॉर्मवेयर है जो प्री इंस्टॉल्ड रहता है हमारे मदरबोर्ड की बायोस चिप में, तो उसमें हमारे सारे लैपटॉप के डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा डिवाइस है, उसका पार्ट नंबर क्या है, मतलब बेसिक जानकारी होती है उस हार्डवेयर की जिससे वो उस चीज़ को पहचान पाता है। तो हो सकता है कि जो हमने नया पार्ट लगाया है वो उसको पहचानता है नहीं है, या उसके कुछ फंक्शंस को पहचानता है और कुछ को नहीं पहचानता है, यानी किसी एक सीरीज़ के पार्ट्स को पहचानता है, उसके कुछ फंक्शंस को वो काम करने के लिए एक्टिव रखेगा मगर कुछ को नहीं रखेगा, तो ऐसा कुछ सीन होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि मिसबिहेव करता है हमारा। बातों ही बातों में मैंने जो है इसके सारे स्क्रूज फिक्स करने के बाद ये रेडी कर दिया है, और जैसा कि पहले से ये इसमें ओएस इंस्टॉल था तो मैंने सिस्टम को बूट किया है, और साथ साथ वीएलसी मीडिया प्लेयर चला करके इसकी साउंड को चेक किया है, तो प्रॉपर साउंड आ रही है, बहुत फर्स्ट क्लास की साउंड आ रही है। मतलब नए और पुराने में और साथ साथ ओरिजिनल और डुप्लीकेट में कोई अंतर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी साउंड आ रही है, मतलब नए जैसा फील आ रहा है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली इसको रन कराया था बैटरी लगा करके तो अच्छा साउंड नहीं आ रहा था, फटी फटी आवाज़ आ रही थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है, अच्छी साउंड आ रही है। तो स्पीकर तो मेरा सक्सेसफुली काम करने लगा है, और मैंने कीबोर्ड भी चेक कर लिया है, नेविगेशंस की जो है वो काम कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।